अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और आपकी बहन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई है। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, इससे अच्छा है क्या कि मैं आपके लिए एक वीडियो क्यों ना शूट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए वीडियो शूट कर ली, क्योंकि रमज़ान महीना है और रमज़ान महीने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमको बचा कुचा खाना स्टोर करके फ्रीज में रखना होता है। और फ्रीज में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस की कमी हो जाती है, मतलब फ्रीज़ हमारा बहुत ज़्यादा भर चुका होता है और हमारे फ्रीज में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहती। और हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हम कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें, तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है, क्योंकि रमज़ान में हमारे पास जो भी चीज़ें होती है तो हम उसको दूसरे दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं, बट फ्रीज़ में जो स्पेस नहीं होती तो फिर हमारी दिक्कत और बढ़ जाती है, हमारी जो परेशानी होती है वो और बढ़ जाती है। तो यहाँ मेरा जो फ्रीज़ है वो स्मॉल साइज़ का है, और यहाँ मेरे कल मेरे साथ वही हुआ, मतलब रात में मेरा जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा भर चुका था, तो फिर मुझे चीज़ें रखने में इतनी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैंने रात में ही सोचा कि कल मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी और उसकी जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत है स्टोरेज के लिए, कैसे रखती हूँ कैसे नहीं वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आपके लिए वीडियो थोड़ी यूज़फुल तो होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो फ्रीज़ है वो उसको एम्प्टी कर लिया है, मतलब खाली कर लिया है और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो उसके जो कवर आते हैं मतलब मैट, उसको आप ज़रूर उस पर कवर को रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो फ्रीज़ की जो अपनी ब्लीड होती है मतलब जाली वगैरह, और वो गंदी नहीं होती है, तो इससे अपना जो फ्रिज है वो ऐसा ही रहता है। अगर जो कवर्स है वो गंदे होते हैं तो हम उसको निकाल कर धो भी सकते हैं, अगर जो जाली है वो गंदी हो गई तो फिर उसको धोना मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले कि क्या है कि उसको इस तरह से अपने फ्रिज को मतलब मेंटेन रखिए, उसको अच्छे से क्लीन रखिए और कुछ भी ऐसी चीज़ ना रखें कि जिससे फ्रिज गंदा हो गिरे। और ज़्यादा ही ज़्यादा आप जो अपना फ्रिज है उसको ऑन ही रखिए, क्योंकि हम फ्रिज बंद कर देते हैं तो उसमें वो फंगस लग जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। किस किस के साथ होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अगर मैं मेरे मायके जाती हूँ और मेरे हस्बैंड जो फ्रिज़ को कभी बंद कर देते हैं क्योंकि यूज़ में नहीं आता है, मायके जाती हूँ तो फ्रिज़ मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई बंद कर दे। फिर मैं जब मायके से दो तीन दिन तीन चार दिन के लिए जाती हूँ और फिर मैं वहाँ से आती हूँ लौट के, उसके बाद मैं मेरा फ्रिज ओपन करती हूँ तो बहुत गंदा हो चुका होता है, मतलब हर जगह से फंगस लग जाती है फ्रिज में, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि भाई ये मत किया करो, आप फ्रिज को बंद मत कर दिया करो, क्योंकि फिर इसमें फंगस लग जाती है, भले यूज़ करने में आए ना आए आप ऐसे मत किया करिए। तो फिर देखिए यहाँ मैंने एक ही सेक्शन में मैंने कितनी चीज़ें रख दी है, मैंने सारा कुछ ऐसे रखा है कि बहुत कुछ अंदर आ जाए। वैसे मेरा फ्रिज बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं बहुत ही मतलब स्टोरेज बचाने के लिए स्पेस बचाने के लिए बहुत संभल संभल के सारी चीज़ें रखती हूँ। इतनी भी जो स्पेस होती है उसको मैं ऐसे खाली नहीं जाने देती, उसको भी भर देती हूँ। तो इस तरह से मैं देखिए जैसे रखती हूँ, आप भी इस तरह से रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी रमज़ान में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। फ्रीज तो हमने क्लीन कर दिया, उसके बाद हमारा आता है ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखने का बॉक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, वैसे गलती आप भी मत करिएगा, वैसे मैं उसको अच्छे से उसकी जो वेजिटेबल्स बैग आती है उसमें ही रखती हूँ क्लीन करके, बट बहुत ज़्यादा हो जाता तो कभी कभी हमको आलस भी आ जाती है तो हम ऐसे ही उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए उसको अच्छे से क्लीन करूँगी और जो जो सब्जी वगैरह है उसको अपनी अपनी जगह पर रखूँगी तो बहुत स्पेस बच जाएगी। तो आप भी मेरी तरह ज़रूर करिएगा, मतलब आपके पास अगर ये बैग अवेलेबल ना हो तो इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, मार्केट में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन तो ईज़िली ही मिल जाएगी आपको। तो आप ये वेजिटेबल्स बैग ज़रूर लीजिएगा, उसमें क्या होता है ना, अपने अपना वेजिटेबल्स जो होता है जैसे कि मिर्ची है नींबू है वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, एक को मतलब वो सड़ाते नहीं है, अगर एक भी सब्ज़ी सड़ जाएगी तो दूसरी सब्ज़ी को भी सड़ा लग जाता है,
इस तरह से बहुत ही गंद मच जाती है बहुत सारी चीज़ों में। और देखिए मैं तो इसमें भी मैट लगा के ही रखती हूँ कि वो भी गंदा नहीं होता है। अब मुझे क्लीन करना होगा तो मैं सिर्फ मैट को ले जाऊँगी और बाहर जाके क्लीन कर दूँगी। ऐसे करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत टाइम बचता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लीन करके भी रख दिया है देखिए, और मैं अच्छे से जो मेरी सब्जीज़ वगैरह है उसको मैं अच्छे से न्यू बैग में क्लीन करके रखती हूँ। तो आप देखिए, आप भी ऐसा यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किस तरह से रखा है। तो देखिए मेरे फ्रिज में कितनी सारी स्पेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी इंशाल्लाह ज़रूर रखिएगा, आपके भी फ्रिज में अच्छे से स्पेस हो जाएगी। सॉरी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।